हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय नेम इज़ जागृति एंड टुडे आई विल टॉक विथ यू कि हाउ टू क्वालिफाई जीपैट इन 2 मंथ्स। तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। गए साल मैंने जीपैट दिया था और बहुत ही अच्छे मार्क्स मुझे आए। तो आपको भी 2 मंथ्स में कौन से इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड टॉपिक्स करना है जो कि जीपैट पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक के बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। कौन से टॉपिक आपको करना है, कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट वेटेड है, कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो विदाउट स्किप माय वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। सो इस सिचुएशन में 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट है डन विद मेजर सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट ने मेजर सब्जेक्ट पूरा कर लिया होगा। दूसरा है कि डन विद 1 और 2 सब्जेक्ट। तो कुछ स्टूडेंट हो गए, उन्होंने 1 या 2 सब्जेक्ट किए होंगे। और कुछ थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिसने अभी स्टार्ट किया है और सोच रहे हैं कि मैं कब स्टार्ट करूँ, कौन सा बुक लेके मैं स्टार्ट करूँ, ये बुक में से स्टार्ट किया और मैंने पढ़ लिया तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो आपको पहले वो देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीपैट एग्ज़ाम के लिए। 2 ही महीने बचे हैं और आपको थोड़ा जीपैट एग्ज़ाम सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो फर्स्ट है कि जीपैट एग्ज़ाम बहुत टफ है। जब मैंने जीपैट एग्ज़ाम दिया था तो मुझे बहुत टफ गया था क्या, इजी गया था? तो देखो, टोटल 500 मार्क्स का जीपैट का एग्ज़ाम रहता है और ओपन कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 200 तक आपको मार्क्स लाना है। 200 मींस आपको 50 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करने होंगे। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 125। तो हम 200 का ही कट ऑफ लेके चलते हैं। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं जो कि जीपैट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टिप, आपको जीपैट का स्टार्टिंग करना है तो कुछ आपके फेवरेट और इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब हार्ड सब्जेक्ट लोगे तो आपका मन उसमें नहीं लगेगा और आपको जीपैट एग्ज़ाम और हार्ड लगने लगेगा। इस वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फार्मास्यूटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है तो और आपका वो अच्छा लगता है आपको सब्जेक्ट, तो आपको वो सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए और वो पहले लेके आपको टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, सस्पेंशन, इमल्शन, जो मेन टॉपिक्स में आगे जाके बताने वाली हूँ वो पूरा टॉपिक आपको कर लेना है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस अराउंड फार्मास्यूटिक्स से आते हैं। तो आपको ऐसे डे बाय डे स्टडी करना है। और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक पढ़ लिया, वो पढ़ने के बाद आपको अगले दिन उसका रिवीजन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको फिर डायरेक्ट जीपैट एग्ज़ाम के पहले पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको वो कंटिन्यू रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो पॉइंट क्लियर होगा। वो पॉइंट पढ़ लेने के बाद और वो चैप्टर फिनिश करने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और आप कौन सा भी बुक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टैबलेट कर लिया, टैबलेट चैप्टर अच्छे से कर लिया, तो आपको ये देखना है कि उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आपको जीपैट देना है तो जीपैट में थ्योरी तो पूछी नहीं जाती, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। तो आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ही आपको जीपैट क्वालिफाई करने में आसानी होगी। तो आपको टैबलेट पढ़ लिया आपने, तो टैबलेट के कुछ आपने नोटबुक या बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एमसीक्यू सॉल्व कर लिया और कुछ आपके सही भी आ सकते हैं, कुछ गलत भी आ सकते हैं। तो गलत आ गए तो उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल देखना, क्यों गलत आया और इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऐसे आपको रिवीजन करना है। और आपने बुक का स्टडी करते समय आप नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि जीपैट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होगा तो आप मेन आपके खुद के जो नोट्स है जैसे कि मैंने बनाए थे तो वो बुक आप एक नोटबुक लास्ट टाइम आप रीड कर सकते हो और आपको टेंशन भी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको स्टडी कैसे करना है। तो अब हम देखते हैं जीपैट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ माय फेवरेट
फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स से आपको टैबलेट, कैप्सूल, इमर्शन, सस्पेंशन और एरोजोल ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें से आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब चार्ट्स लैकमेन बुक के प्रॉपर रीड करने पड़ेंगे। चार्ट्स में से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 30 में से अराउंड 15 क्वेश्चन तो चार्ट्स में से ही आते हैं। तो आपको विदाउट एनी ज़्यादा पढ़ना और ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ओनली चार्ट्स अच्छे से रीड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको टैबलेट चैप्टर है तो आपको टाइप्स ऑफ कोटिंग और डाइल्यूएंट कौन से यूज़ किए हैं, डिसइंटीग्रेडिएंट, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं चार्ट में से वो चार्ट आपको प्रॉपर करना है। ऑल्सो आपको वो टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको देखना है। एटलीस्ट आपको 10 तो नहीं होगा दो महीने में, तो 5 ईयर तक यहाँ से 2022 टू 2016 तक आपको जो जो टैबलेट में से क्वेश्चन आए हैं वो देखना है प्रीवियस ईयर का, और आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। सो रिमेंबर दी ऑल चार्ट्स एंड ऑल्सो टेबल्स गिवन इन दी लैकमेन ग्रुप, एंड आपको इमर्शन सॉल्यूशन ये केयरफुली रीड करना है क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। WIO, OBW इमर्शन आपको ये अच्छे से याद रखना है, उसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो भी अच्छे से याद रखना है। दूसरा है सेमी सॉलिड एंड सपोजिटरी, ये पॉइंट, और आपको चार्ट्स इज इनफ फॉर दैट। ओके, सो टैबलेट, कैप्सूल, एरोजोल, पैरेंटल स्टरलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप में आपको ये टॉपिक में से चार्ट्स अच्छे से करने हैं। तो सूटिक्स के लिए इतना सफिशिएंट है, सूटिक्स बहुत बड़ा है, पर आपको ये सब करके इतने कम टॉपिक करके भी आप 30 में से अराउंड 20+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक बुक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो मैं आपको बताऊँगी, मैं इधर डाल दूँगी। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से फार्मास्यूटिक के लिए तैयार करने हैं। तो सेकंड टॉपिक है फार्माकोलॉजी, इसमें से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें ये इसके लिए आप KD त्रिपाठी सर की बुक यूज़ कर सकते हैं, और आपको जनरल फार्माकोलॉजी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी, ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल एंड कीमोथेरेपी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइन फार्माकोलॉजी, ये सब टॉपिक इसमें हैं। तो आपको करना क्या है, तो फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्लासिफिकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन थोड़े से टफ होते हैं, पर आप ट्रिक बना के उसे सॉल्व कर सकते हो। मैं वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉजी विद ट्रिक्स का वीडियो बनाऊंगी, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ऑल्सो आपको करना क्या है, आपको मोड ऑफ एक्शन करना है। जनरल फार्माकोलॉजी से रिसेप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको रिसेप्टर को स्टडी ज़्यादा करना है। ऑल्सो मेटाबोलिज्म, मेटाबोलाइट प्रोडक्ट एंड एक्शन, वो आपको देखना है। ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा है, पर आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में एडवर्स इफेक्ट कौन से ड्रग से पूछे गए, और जो मेन ड्रग होते हैं उनके ही आपको एडवर्स इफेक्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, जो करना है वो प्रॉपर करना है, क्योंकि आगे जाके आपको GPAT क्वालिफाई करने में आसानी हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी आपको सीके कोकाटे सर की बुक से करना है। फार्माकोग्नोसी स्पेशली मेरे लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहा, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन में से मेरे 9 क्वेश्चन करेक्ट आए, तो आई वॉज सो हैप्पी। एंड आप फार्माकोग्नोसी, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने फार्माकोग्नोसी कैसे किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फार्माकोग्नोसी ज़्यादा नहीं है, 10 ही क्वेश्चन आते हैं, पर एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फार्माकोग्नोसी आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो फर्स्ट पॉइंट इज जनरल फार्माकोग्नोसी, उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है मैं इधर बता दूंगी। तो फर्स्ट इज ऑल इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग विथ सीके कोकाटे बुक्सर एंड ऑल्सो ऑल सिंथेसिस पाथवे, ऑल्सो प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड आपको केमिकल टेस्ट करना है, माइक्रोस्कोपी करना है, ट्राइकोम्स करना है, स्ट्रक्चर करना है, सिंपल सिंपल, एंड स्टार्ट विथ एल्कोलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछेगा है। और वोलाटाइल ऑयल्स, रेसिन एंड टैनिन, तो मैंने 5 पॉइंट बताए, एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेसिन एंड वोलाटाइल ऑयल। तो आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से करना है, इसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट ड्रग है वही करना है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सेना वगैरह। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। और आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड फ्यू ड्रग्स, जैसे कि डिजिटालिस, थिबेटिया, ये सारे आपको अच्छे से करना है। तो रैपिड डिवीजन के लिए मैंने, आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको चार्ट्स बनाना है। जैसे कि इधर आपने क्लासिफिकेशन लिख लिया, स्ट्रक्चर लिख लिया और एग्जांपल लिख लिया। तो ऐसे चार्ट्स आपको रीड करने हैं जो कि आपको बहुत इजी होंगे। फॉर एग्जांपल बेलाडोना, तो बेलाडोना में टाइप ऑफ स्टोमेटा एनिसोसाइटिक, आपको एक पॉइंट लेना है बेलाडोना और नीचे लिखना है स्टोमेटा कौन से है, ट्राइकोम कौन से है, कौन सी सेल प्रेजेंट होती है इडियोप्लास्टिक, और विच नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन दिस ड्रग। तो ये आपको एक बेलाडोना लिखना है और ये 4-5 पॉइंट लिख लेना है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप इतना सारा थ्योरी करोगे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आपके शॉर्ट्स नोट बनाने होंगे। तो अगला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, पर हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4 या 5 क्वेश्चन आपको इसमें से दिख जाएंगे। तो मैं इसका ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बताने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज़ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दिस ऑल्सो रूल्स, फिशर रूल्स एंड विद देयर प्रॉब्लम्स। सेकेंड है NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड इज़ द एक्सरे डिफ्रैक्शन, ECR आपको करना है। और क्रोमेटोग्राफी मेथड, आपको सारे क्रोमेटोग्राफी मेथड करने होंगे, फॉर एग्जांपल TCL, गैस, HPLC, HPTLC, उसमें से आपको अच्छे से क्रोमेटोग्राफी के मेथड्स करने पड़ेंगे। उसमें से मेन क्या है वही आपको देखना है। प्रीवियस ईयर, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए नहीं देखना है कि उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। इसके लिए देखना है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं, कौन से टाइप, मॉडरेट, सिंपल या कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 5 ईयर तक क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर विथ चार्ट विथ प्रिंसिपल सोर्सेज, सैम्पल होल्डर्स, डिटेक्टर्स एंड यूनिट ऑफ द ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं ये सब देख के बता रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, उसमें से मैंने ऐसा लिखा था कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं मेरी पर्सनल नोट्स से आपको बता रही हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट भी। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, फैटी एसिड, डिफरेंट काइंड ऑफ साइकल्स एंड ऑर्गन एंड फंक्शन टेस्ट। तो आपको विटामिन्स ये सब स्टडी करते समय आपको भी चार्ट बनाना है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, ABCD, तो ए को क्या, रेटिनॉइड, बी में बहुत टाइप से B1, B2, B3, सी इज़ द विटामिन, सी फॉर एस्पर्बिक एसिड, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हो सकते हैं। और आपको इसका स्टडी अच्छे से करना है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है, इसका यूजेस भी देख लेना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो कि मैं फेस टू फेस बात कर रही हूँ कैमरे के सामने। तो होप डू यू लाइक इट, वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँगी जो कि फार्मा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे,
एंड थैंक यू सो मच.